फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स बर्फी, या फिर इसको मेवा पाक भी बोल सकते हैं आप, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बनी है, मुंह में जाते ही घुल जाएगी और बहुत ही हेल्दी रहती है। हेल्दी होने के साथ साथ ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे देसी घी। ये घर का बना हुआ घी है, आप मार्केट का भी ले सकते हैं। तो इसको हम डाल देंगे और अच्छे से गरम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे घी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है और अब हमने यहाँ पे लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो उनको इसमें फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं काजू, इनको इसमें डाल के और इनको फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें फ्राई कर लेना है और बहुत ज्यादा इनको नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा इनको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, हमारे जो ना काजू बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेंगे फ्रेंड्स। चलिए निकाल लेते हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेंड किशमिश, इसको भी फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ही जल्दी ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए, बहुत ही जल्दी इनका कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं किशमिश का कलर चेंज होने लग गया है और ये फूलने लग गई है। तो बस इस तरीके से इसको फ्राई करके और फटाफट इसको हम निकालेंगे। तो ये देखिए कितनी जल्दी से फ्राई हो गया, मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है वीडियो को और पूरा दिखाया है कितना जल्दी हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको भी हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैंने लिए यहाँ पे ड्राई खजूर, इनको मैंने पानी में भिगो दिया था और इसके अंदर का जो बीज था वो उसको निकाल दिया है और इनको भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे इसमें घी में डाल के अच्छे से। चलिए इसको भी फ्रेंड्स हम निकाल लेंगे। हमारे जो है ना छुआरे, यानी कि ड्राई खजूर जो है ना, ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेंगे फ्रेंड्स। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से बादाम, और गर्मी का टाइम है तो बादाम थोड़े से कम यूज कर रही हूं मैं। इनको भी फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा घी में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो फ्रेंड्स, बादाम यहाँ पे चटकने लग गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स। और अब फ्रेंड्स, मैंने लिए यहाँ पे थोड़े से खरबूजे के बीज, इसको डाल के और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, इनको भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये चटकने लगते हैं, ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे ले लिए मखाने, इनको भी हम इसमें डाल देंगे और इनको भी हम फ्राई कर लेंगे घी में अच्छे से। बहुत ही हेल्दी होते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते ही हैं ये। तो चलिए इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद ना ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं फ्रेंड्स और इनका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इनको तो हम लोग वैसे भी खा लेते हैं फ्राई करके, थोड़ा सा नमक वमक डाल के, काफी अच्छा टेस्ट लगता है इनका। तो चलिए इनको भी हम अच्छे से ना फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मखाने जो है ना वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है और ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको भी हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने वापस उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और ले लिया है और यहाँ पे मैंने जो ना सूखा हुआ नारियल होता है उसको कद्दूकस करके रखा हुआ था, उसको भी हम इसमें डाल के थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और आप चाहो तो जो है ना मार्केट में भी मिल जाता है डेसिकेटेड नारियल, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे घी में, इससे टेस्ट जो है ना और भी अच्छा हो जाएगा इनका। तो बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से चलाते हुए इसको हमें भून लेना है और चलाने का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि नारियल बहुत ही जल्दी भुन जाता है, नहीं तो ये जल सकता है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, और चलाते हुए हमें भूनना है इसको। तो चलिए इसको हम भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नारियल भी हमारा जो है ना भुन चुका है, गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसको भी हम निकाल लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे जो है ना ड्राई फ्रूट्स रेडी है, फ्राई करके अच्छे से मैंने इनको रेडी कर लिया है और इनको अब हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे ले लिया है मिक्सी का जार और इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे ना उनको इसमें हम डाल के और दरदरा सा पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे मखाने, तो सारी चीजों को एक साथ नहीं डालना है, तो पहले मैं मखाने को डाल के ना इसको दरदरा सा पीस लूंगी।
अब हम इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मखानों को इस तरीके से पीस लिया है और दरदरा सा पाउडर बनाया है, बहुत ज्यादा फाइन नहीं पीसा है इसको। तो इसी तरीके से हम जो है ना अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने छोटे ग्लास में डाले हैं काजू बादाम, इसी तरीके से सारे ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए पीस लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से पीस लिया है दरदरा सा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो किशमिश और जो ड्राई खजूर थे ना, उनको अलग से मैंने पीसा है खरबूज के बीज को। तो चलिए अब हम चलते हैं फिर से एक बार गैस की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी चाशनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ले लिया मैंने कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 कप ली है, इसको हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स 2 कप चीनी में यहाँ पे डालेंगे हम 1 कप पानी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके हम चाशनी तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे चाशनी जो है ना हमारी उबलने लगी है, इसमें उबाल आ चुका है और चीनी भी हमारी मेल्ट होने वाली है। तो इसको अच्छे से पहले मेल्ट कर लेंगे और फिर हम इसको एक तार की चाशनी तैयार करेंगे। फ्रेंड्स चाशनी जो है ना हमें बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, नहीं तो हमारी जो बर्फी बनेगी यानी हमारा पाक बनेगा तो बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए इसको बना लेंगे। और फ्रेंड्स इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। उससे होगा क्या, हमारी जो चीनी होती है उसमें कभी कोई बहुत ज्यादा गंदगी होती है, तो इसको मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। थोड़ा सा दूध डालूंगी इसमें। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1 से 1.5 चम्मच मैंने दूध लिया है सिर्फ, और इसको हम डाल देंगे। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, इसकी सारी जो गंदगी होगी ना चीनी में, वो ऊपर आ जाएगी इसको उबलते टाइम पे ना, आपको मैं अभी दिखाऊंगी। और चीनी जो होती है ना, वो सारी गंदगी अलग कर देगी और चाशनी बिल्कुल हमारी साफ सुथरी तैयार होगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साइड में कितनी गंदगी जो ना चाशनी में निकली हुई है, तो मैं आपको भी पास से दिखाऊंगी। और ये देखिए, इसको हम अलग कर देंगे, बिल्कुल अलग हो जाती है खुद से, साइड में हो जाती है, तो साइड से बहुत ही आसानी से निकल आती है। इस तरीके से हमें निकाल देनी है तो हमारी साफ सुथरी चाशनी बनके रेडी हो जाएगी। ये देखिए कितनी गंदगी होती है चीनी में जो है ना। तो आप इसको ना जब भी चाशनी वाली कोई भी चीज बनाए तो चाशनी को इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और बहुत ही काली काली सी लग रही थी, और अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको साफ करके, कितनी जो ना साफ हमारी चाशनी बनके रेडी हुई है। देखिए देखिए अभी कितनी काली काली सी थी और कितनी साफ हो गई है। ये देखिए सारी गंदगी जो थी ना इसकी अलग हो गई है। तो इस ट्रिक को आप जरूर यूज कीजिए जब भी आप चाशनी बनाए, तो इसका ये दूध वाली ट्रिक जो ना जरूर अपनाएं। तो चलिए फिर इसको हम एक तार की चाशनी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चाशनी हमारी रेडी है और इसको हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम इस तरीके से चाशनी को बनाएंगे ना, तो ये तार जैसा हमारा खिंचेगा। तो एक तार की चाशनी हमारी बनके तैयार है। तो बस हमें इसी तरीके की रखनी है। और अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमने ड्राई फ्रूट्स पीस के रखे थे ना, तो उनको इसमें हमें ऐड कर देना है। फ्रेंड्स आप चाहे तो इसको अलग से भी कर सकते हैं, चाशनी को ऊपर से भी डाल के और कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इस तरीके से डालना है और थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से मिक्स करते जाना है। ये इस तरीके से डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और बाकी है इसको भी हम डाल देंगे। इसको फ्रेंड्स हम मिक्स कर देंगे। और अभी इसको मिक्स करने के बाद में फ्रेंड्स, हमने जो नारियल रखा था ना भून के, तो उसको भी हमें इसमें ऐड कर देना है। तो चलिए इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके ना ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी ये जो है ना पाक बनके तैयार होता है फ्रेंड्स, इसको आप कभी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें मिक्स कर देना है सारी चीजों को। ये देखिए कितना बढ़िया आदि से लग रहा है। और अभी हमारा जो बाकी का नारियल था ना, उसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही सावधानी से करना है और इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही सारी प्रोसेस करेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से हो जाता है। बस चाशनी आपकी, आपको ध्यान रखना है 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, 1 तार की चाशनी आपको बनानी है।
तो इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और थोड़ा सा इसको मिक्स करते हुए हम स्लो फ्लेम पे पका लेंगे चाशनी के साथ में, जिससे इसकी थोड़ी सी थिकनेस जो है ना और भी बढ़ जाए और ये चीनी जो है ना अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, चाशनी जो है ना हमारी वो अच्छे से मिक्स हो जाए ड्राई फ्रूट्स के साथ में। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसको मिक्स करते हुए फ्रेंड्स हम थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी जो है ना पाक बन के रेडी हुआ है और बहुत ही हेल्दी होता है और वीकनेस हो या कभी जो है ना ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील हो रही है तो आप इसको बना के खाइए, बहुत ही हेल्दी होते हैं और ये स्पेशली आप किसी भी त्योहार पे बना सकते हैं। तो अभी तो मैं ये जन्माष्टमी पे बना रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए इसी तरीके से थोड़ा सा हम इसको और पका लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको पका लिया है और ये बहुत अच्छे से समेटने सा लग गया है, आई मीन इकट्ठा सा होने लग गया है, ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो फ्रेंड्स इसको जमाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है एक थाली और इसमें जो है ना इसको मैंने अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है और अब हमने जो अपना पाक बना के रखा था ना उसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे थाली में, इस तरीके से सारे पाक को ना इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है और अब हमें सारे पाक को ना पूरी थाली में अच्छे से फैला देना है, सेट कर देना है फ्रेंड्स इस तरीके से। जी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपनी जो पाक था ना उसको अच्छे से सेट कर दिया है और फ्रेंड्स अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, काजू बादाम की थोड़ी सी कतरन डालकर इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे इस तरीके से। और फ्रेंड्स इनको भी हम थोड़ा थोड़ा सा दबा देंगे जिससे ये जो है ना हमारे पाक में सेट हो जाए अच्छे से इस तरीके से। तो ये लीजिए फ्रेंड्स अब हम इसको अच्छे से फ्रेंड्स ठंडा कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कट करके। तो चलिए इसको ठंडा होने देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारा पाक जो है ना ठंडा हो चुका है, पाक बोल सकते हैं आप, बर्फी बोल सकते हैं। और अब हम इसको कट कर लेंगे फ्रेंड्स, जिस शेप में आप चाहे उस शेप में कट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमें कट कर लेना है, इस तरीके से कट कर लेंगे इसको। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक तरफ से कट लगा लिए और इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ से भी कट लगा लेना है फ्रेंड्स, इस तरीके से काट लेंगे हम इसको। मैंने यहाँ पे सारे पीसेस को अच्छे से कट कर लिया है और फ्रेंड्स अब मैं आपको इस तरीके से निकाल के दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितना जो ना आसानी से निकल आएगा, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा बढ़िया सा पाक बन के रेडी हुआ है और कितना बढ़िया हमारा पीस कट के तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई है, ये देखिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और बहुत ही खाने में टेस्टी बना हुआ है। तो चलिए इसको हम निकालेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारा पाक बनके तैयार है, इसको पाक बर्फी बोल सकते हैं, ड्राई फ्रूट बर्फी बोल सकते हैं, जो भी आप चाहें इसका नाम दे सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी हुई है और खाने में इतनी टेस्टी लगती है फ्रेंड्स और हेल्दी तो होती ही है। आप इसको किसी भी त्योहार पे बना सकते हैं और जब भी आप चाहें तब बना सकते हैं। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड टेक केयर।